हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने का एपिसोड 2, जो कि होने वाला है सिस्टिक एक्ने का ट्रीटमेंट। नाउ ये दो के मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में शेयर किए हैं, व्हाट इज एक्ने, टाइप्स ऑफ एक्ने मैंने पहले वीडियो में शेयर किए हैं। तो अगर आपको उस वीडियो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिए ताकि आपको पूरी आइडिया मिल जाए कि अब मैं क्या बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ मैं बताने वाली हूँ कि आपको सिस्टिक एक्ने को कैसे ट्रीट करना है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है स्पॉट ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड्स, स्पॉट ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको एक क्रीम लेनी है, मेडिकेटेड क्रीम, और जहाँ पे भी आपको एक्नी है, सपोज ये वाली एक्नी है या यहाँ पर एक्नी है आपके फेस पे छोटे छोटे जहाँ पर भी एक्नी है, वहाँ पे आपको मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ करने हैं। और मैंने यूज़ किए थे, जो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे, वो था बेंजोल पेरोक्साइड जेल और डिराइवा CMS जेल। नाउ बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में अगर मैं फर्स्ट आपको बताऊँ तो ये होता है एक केमिकल जो आपके एक्ने को ड्राई आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट मैं आपको बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में बताती हूँ, ये शायद किसी किसी को सूट करे, किसी किसी को ना भी करे। तो फर्स्ट आपको जो है ये जेल ऐसे लेना है, थोड़ा सा इस तरीके का जेल होता है ये। ओके, ये जेल एक्चुअली क्रीम फॉर्म में ही होता है, और आपको जहाँ पर भी एक्नी है सपोज वहाँ पर आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करके लाइक थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है और आपको ऐसे रख देना है, यानी कि एक्नी पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको पूरी फेस पे नहीं अप्लाई करना है, ये आपके एक्नी को ड्राई आउट कर देता है। सेकंड वाला जेल है क्लिंडामाइसिन एंड एडाप्लिन, ये किसी किसी को बहुत अच्छे से सूट होता है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। बेंजोइल पेरोक्साइड से ज़्यादा मुझे डिराइवा CMS की ये क्रीम बहुत पसंद आई, ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की थी। इसे भी आपको सेम तरीके से लेना है, थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है इस तरीके से, और आपको एक्नी पे लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा वॉटरी है एज यू कैन सी, बट ये आपको सिर्फ एक्नी पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है। तो ये दो क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट होती है। अगर आप ये दो क्रीम्स यूज़ कर रहे हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन इसीलिए बिकॉज इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को यूवी रेस से एक्सपोज करते हैं। तो अगर आप ये दो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो कंपलसरी दिन में सनस्क्रीन यूज़ करना है। थर्ड बात यह है कि आपको ये दो क्रीम्स हमेशा नाइट में ही लगाने हैं, दिन में नहीं लगाने हैं, ओनली ड्यूरिंग नाइट। तो रात में आप कोई भी क्रीम एक चूज कर सकते हो और रात में आप ये यूज़ कर सकते हो। रात में आपको इसे 3 से 4 आवर्स तक रखना है एंड देन वॉश करना है, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था स्पेशली इसके लिए। ये आप ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन डिराइवा CMS जो है वो आपको 3 to 4 आवर्स ही आपके फेस पे रखनी है और ड्राई होने के बाद इसे वॉश कर देना है। फोर्थ बात यह है कि जब भी आप डिराइवा CMS या बेंजोइल पेरोक्साइड कोई भी क्रीम यूज़ करी हो तो फायर के पास नहीं जाना है या फिर स्टोव के पास नहीं जाना है, यानी कुकिंग या ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। तो हमेशा रात में ही आपको इसे यूज़ करना है। ये थे इसके कॉशंस। फर्स्ट सनस्क्रीन यूज़ करना है, इसे सिर्फ स्पॉट्स पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है, इसे सिर्फ रात में यूज़ करना है, एंड फायर या स्टोव के पास आपको नहीं जाना है। तो ये थी इन स्पॉट ट्रीटमेंट्स के बारे में। इससे आपके पिंपल्स डेफिनेटली थोड़े से ड्राई आउट हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा इसे करते रहना है, कम से कम 1 महीने तक आपको करना है, और आपकी एक्ने जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, सेटल होने लग जाती है और ड्राई होने लग जाती है। तो ये था हमारा एपिसोड 2, जिसमें मैंने स्पॉट ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। नेक्स्ट एपिसोड में जब दाग रह जाते हैं एक्नी के, मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको इनके इंडिविजुअल रिव्यूज देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा।